जी अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी है हमारी YouTube फैमिली, आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं रशियन कैटलेट की रेसिपी। तो इसे आप रशियन कबाब भी कह सकते हैं, खाने में ये बहुत ही टेस्टी चटपटा चटखारा सा बन के तैयार होता है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सबसे पहले हमने पैन में कुकिंग ऑयल डाला है, एक कटोरी भर के हम प्याज ऐड करेंगे, एक कटोरी भर के हम गाजर ऐड करेंगे, एक कटोरी भर के हम शिमला मिर्च ऐड करेंगे। तीनों की क्वांटिटी हमें सेम रखनी है और तीनों की स्लाइस भी हमने सेम सेम की है। इन्हें तब तक फ्राई करना है जब तक इसका कच्चापन ना ख़त्म हो जाए, सब्जियां सॉफ्ट ना हो जाए। अब हम इसमें एक चम्मच लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, एक चम्मच अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे, आधा चम्मच हम हरी मिर्च ऐड करेंगे। इन्हें बहुत अच्छे से मिलाएंगे। इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए तब तक हमें इसे फ्राई कर लेना है। अब हम इसमें चार बड़े साइज़ के आलू मैश करके डालेंगे और 250 ग्राम बोनलेस को हमने अदरक लहसुन हरी मिर्च और एक चम्मच तेल के साथ बॉईल करके अच्छे से फ्राई करके और इसके रेशे रेशे श्रेड कर लिए हाथों से, तो ये डाल देंगे हम इसमें। एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च कुटी हुई डालेंगे, एक चम्मच भुने कुटे हुए जीरे का पाउडर डालेंगे, एक चम्मच काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे इसमें, नमक टेस्ट के हिसाब से ऐड करेंगे। इन्हें बहुत अच्छे से मिलाएंगे हम। सारी सब्जियां, आलू और चिकन अच्छे से मिला लेना है हमें। अब हम हरा धनिया ऐड करेंगे इसमें, थोड़ा हरा धनिया डाल के भी हमें बहुत अच्छे से मिलाना है। हमारी तबीयत ख़राब है इसलिए हम बोल नहीं पा रहे, हमारी आवाज़ बैठी हुई है, तो इन्हें बहुत अच्छे से मिलाना है। ये बहुत ही कलरफुल बन के तैयार हुए। अब हम एक सॉस तैयार कर लिए हैं, तो हम दो चम्मच बटर डाले पैन में, उसमें हम एक कप मैदा डाल के अच्छे से भून लिए, उसके बाद हम डेढ़ कप दूध डाल के इसे एक लिक्विड फॉर्म में बना के अच्छे से पका लिए, जिस तरह से हम खीर बनाते जब वो अच्छे से गाढ़ा होने लगे। तो इसमें हम दो चीज़ के स्लाइस डाल दिए, आप क्यूब वाला भी चीज़ डाल सकते हैं, तो इससे बहुत ही चीज़ी बैटर बन के तैयार हो जाता है। इससे हमारे रशियन कबाब बहुत ही अच्छे बन के तैयार होते। तो सॉस का वीडियो हम नहीं डाले, बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा था वीडियो, तो अगर आपको सॉस देखना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम ये सॉस बनाना आपको बता देंगे। वैसे बहुत ईजी है, हमने जिस तरह से बताया है सॉस बनाने, उस तरह से बना के आप इसमें ऐड कर दीजिए, तो बहुत ही चीज़ी और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होएगा ये रशियन कैटलेट। तो देखिए आप, बहुत ही स्टिकी स्टिकी बना है। तो इस तरह से हम एक एक बाइट लेना है, गोल गोल हमें रशियन कैटलेट बनाना है। और हमने लंबे वाले रशियन कैटलेट की भी रेसिपी अपलोड की है, तो आप लोग देख सकते हो, चैनल पर हमारे अपलोड है। और हमने रमज़ान में भी एक कैटलेट की रेसिपी अपलोड की है, तो हमारे ये सारे कैटलेट अलग अलग तरह के हैं, तो आप लोग अगर देखना चाहते हो तो जाके देख सकते हो। तो ये हमारे कैटलेट बनके तैयार हो गए हैं। अब एक अंडे को हमने अच्छे से फेंट लिया, इसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे। दूध डालने से ये होगा कि जो हमारा अंडा है वो पतला हो जाएगा, तो अच्छे से कोट होता है और ज़्यादा मोटा नहीं कोटिंग होती उससे। तो हमें इस तरह से डिप करना है अंडों में। अंडों में डिप करके हमें सेवइयों पे रखना है, तो हम सफ़ेद वाली सेवई इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप गोल्डन कर रहे हो तो सफ़ेद वाली इस्तेमाल किया करिए, क्योंकि गोल्डन में क्या होता है, हम फ्राई करते हैं तो वो जलने लगती है। ये वाइट वाली कितना भी हम पका लेंगे, जब तक ये गोल्डन नहीं हो जाएगी तब तक हमारे कबाब पकते और सिकते रहते हैं, तो बहुत ही अच्छे बनके तैयार होते। और गोल्डन वाली सेवइयों से हम ज़्यादा नहीं पका सकते, वो जल जाती है और कलर बिल्कुल डार्क हो जाता है। तो इसी तरह से हम बाकी कबाबों को भी बनाते जाएंगे। तो कच्ची सेवई से ये होता है कि सेवइयाँ जब तक ब्राउन होती है तब तक हमारे कबाब बहुत अच्छे से बन जाते हैं, जलेंगे बिल्कुल नहीं। अगर हम गोल्डन से बनाते हैं तो फटाफट वो जलने लगते हैं, कबाब अच्छे से पक नहीं पाते। तो एक चीज़ का ध्यान दीजिए कि आपको सेवइयाँ वाइट वाली इस्तेमाल करनी है। ये सेवइयाँ आपको किसी भी किराने पंसारी की दुकान पे मिल जाती है। अब हम इसे रख दिए थे, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं सेवइयाँ। अब हम पैन में ऑयल डालेंगे। अब एक एक कबाबों को हमें इस तरह से रखते जाना है इसमें। आप इसे कबाब बोलो या कैटलेट, शादियों में जाते हैं तो रशियन कबाब बोलते हैं और हम इसे रशियन कैटलेट भी बोल सकते हैं।
तो जिसकी जैसी मर्जी है वैसे बोल सकते हैं, लेकिन ये खाने में बहुत टेस्टी है और बारिश के दिनों में तो सभी लोग को बहुत ज़्यादा भूख लगती है, कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। तो जो घर में पकाने वाले रहते हैं वो हैरान हो जाते हैं कि क्या बनाया जाए, सभी लोग घर पे होते हैं। तो हम इस तरह से घर पे क्वांटिटी बढ़ा के हर चीज़ बना सकते हैं, इससे आपकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि सेविंग का कोट हो जाता है। और चाय के साथ आप इसे बहुत अच्छे से सर्व कर सकते हैं और आप इसे खाने के साथ भी खा सकते हो, बहुत ही टेस्टी है। पाव के साथ, रोटी के साथ भी खा सकते हो और आप इसे सादा भी खा सकते हो क्योंकि इसके ऊपर सेवैयों की बहुत अच्छी कोटिंग है, तो किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ये बहुत ही क्रंची क्रिस्पी और खाने में बहुत ही अच्छे है। और जो ज़ीरा काली मिर्च का फ्लेवर आता है वो बहुत उठ के आता है और सब्ज़ियों का फ्लेवर भी बहुत अच्छा है इसमें। तो आप लोग ज़रूर बनाएं, एक बार ज़रूर ट्राई करिए और हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपकी रशियन कटलेट कैसे बने हैं। तो देखिए बहुत ही खूबसूरत से बन के तैयार हो गए। अगर हम गोल्डन सेविंग से बनाते तो इतनी देर तक हम फ्राई नहीं कर पाते हैं, तो कभी भी वाइट सेविंग से ही बनाना चाहिए। तो देखिए, और ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। बारिश के दिनों में बाहर से कुछ भी लाना अच्छा नहीं है, तो आप घर पे ही बना के इसे स्टोर कर सकते हैं। हमने काफ़ी ज़्यादा बना के स्टोर किया था और कभी भी किसी को भूख लगती है तो बस हमें निकाल के फ्राई करके दे देना रहता है और चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं इसे। तो देखिए हमारे सारे रशियन कटलेट बन के तैयार हो गए। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी, और हमारी अच्छी अच्छी वीडियो आप देख पाए इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो ये देख सकते हो आप, हमारे सारे कबाब बनके तैयार हुए। इसी पोजीशन पे इसमें इसे निकाल लेना, इसका प्रोसीजर चालू रहता है तो सेवैयाँ बिल्कुल डार्क हो जाएगी। आप देख सकते हो ये अभी तक पक रहे हैं, इसलिए हमें लाइट गोल्डन होगा तभी निकाल लेना चाहिए। इसे हमने